आज हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट बीकॉम सेमेस्टर का एक असाइनमेंट है, ठीक है, जो हम लोग इसको सॉल्व करना है हम लोग को। और कौन से चैप्टर में सॉल्व करना है, इसको टैली प्राइम में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम में। हम लोग बीकॉम का ये सेमेस्टर किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करना है। क्रिएट कंपनी में आएंगे, सीयू असाइनमेंट, इसमें सारा कुछ रेडी कर लेते हैं पहले एज इट इज़। जैसे हम लोग का टैली ईआरपी में कंपनी क्रिएट होता था, सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही इसमें भी होगा। यहाँ से आफ्टर क्रिएट कंपनी हमारे सामने कुछ फीचर्स ओपन होता है, ठीक है। तो इन फीचर्स में जिस फीचर्स का भी हम लोग को रिक्वायरमेंट है, वो फीचर्स हम लोग यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग को जो सबसे ज़्यादा नीड होता है ना, वो जीएसटी का नीड होता है। तो जीएसटी वाला ऑप्शन हम लोग ऑलवेज़ यहाँ पे यस रखते हैं। और यहाँ पे जो स्टेट लेवल में जो हम लोग का जिस स्टेट से ये काम हो रहा है, उस स्टेट का यहाँ पे सारे डिटेल्स हो जाएगा, जैसे वेस्ट बंगाल रेगुलर, और हम लोग का ये जीएसटी का डेट और जीएसटी नंबर, ठीक है। अगर जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप जीएसटी नंबर वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप उसको स्किप करके आप बाहर आ सकते हैं। और यहाँ से कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद सबसे पहला हम लोग को यहाँ पर ये देखना है कि हम लोग को करना क्या है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 2 लैक्स, ओपनिंग बैंक बैलेंस 1,20,000, ओपनिंग कैश बैलेंस 4,45,000, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है हम लोग को पहले मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए हम लोग टैली प्राइम में आके क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आके यहाँ हम लोग को मिलेगा लेज़र। लेज़र्स में जाके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट को कैपिटल में आते हैं और यहाँ पर उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना था, वो ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बैंक में हम लोग का 1,20,000 है, तो यहाँ पे बैंक का एक लेज़र रेडी करेंगे। बैंक को बैंक में हम लोग एंट्री करेंगे और यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,40,000, 1,20,000, 1,20,000 यहाँ पे इसको भी पुट कर दिया। नेक्स्ट जो हम लोग का बैलेंस शो कर रहा है वो कैश बैलेंस शो कर रहा है। तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट हर टैली में ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कैश पहले से मौजूद रहता है, कैश का लेज़र। तो हम लोग को कैश का लेज़र बनाना नहीं है, हम लोग जस्ट उसमें जाके ऑल्टर करके उसमें बैलेंस देना। तो ऑल्टर तो यहाँ पर कहीं पर शो नहीं कर रहा है, ईआरपी में तो उसी जगह पर शो कर देता था, लेकिन इसके लिए आपको ऑल्टर अलग से मिल रहा है। ऑल्टर में जाके फिर से लेज़र में जाना है और यहाँ पर कैश को जाकर यहाँ से ऑल्टर कर लेना है। कैश में हम लोग को 45,000 एंट्री कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग बैक करेंगे, बैक करके वापस फिर से क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आने के बाद या फिर हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ना क्रिएट में जाके यहाँ से डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली में वाउचर एंट्रीज में आ जाएंगे। वाउचर एंट्रीज में आने के बाद यहाँ पर उसी तरह से दिख रहा है जैसे हम पहले भी हम लोग जानते हैं, ये जो हमारा एंट्री है ये डबल एंट्री है। तो डबल एंट्री के लिए हम लोग को यहाँ पे जैसे ये हम लोग का जो स्क्रीन शो कर रहा है ना, ये सिंगल एंट्री शो कर रहा है, हम लोग को इसको डबल स्क्रीन करना है। उसके लिए हम लोग को कहाँ जाना होगा, कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग को सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, तो हम लोग को सिंगल से डबल और डबल से सिंगल करने के लिए इससे पहले ईआरपी में कॉन्फ़िगरेशन में जाके करना पड़ता था। बट ये जो टैली प्राइम है, टैली प्राइम में थोड़ा चेंज किया है इसका। यहाँ पे आपको देखिए चेंज मोड यानी ऑल्ट एच भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये डबल और सिंगल एंट्री का ऑप्शन दे दिया यहाँ पे। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डबल एंट्री करना है। डबल एंट्री मतलब
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, परचेज लैंड फॉर रुपीज 1,04,000 बाय चेक, मतलब बैंक के थ्रू जो है खरीदा जा रहा है, लैंड खरीदा जा रहा है। लैंड क्या हो गया, ये एक एसेट्स हो गया, तो ये बाय बैंक यानी बैंक के जरिए खरीदा जा रहा है। कैश और बैंक के जरिए जो भी परचेज होता है ना वो आपका पेमेंट में जाता है, ये तो हम लोग को पहले से क्लियर है। अगर क्रेडिट में होने से हम लोग उसको एफ नाइन में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे लैंड लैंड एंड बिल्डिंग जो बोलता है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड का यहाँ पे एक लेज़र बना देंगे। यहाँ पे इसको फिक्स एसेट्स में हम लोग एंट्री करेंगे और इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे दे देंगे, जैसे 1,04,000 है, ये अमाउंट हम दे दिया। सी आर में जाकर उसके बाद यहाँ पे टू लेंगे, टू में जाकर हम लोग को क्या लेना है, बैंक लेना है, क्योंकि थ्रू चेक, चेक के थ्रू हो रहा है। 104,000, ये देखिए यहाँ पे चेक का आप डिटेल्स वगैरह अपना डाल सकते हैं। चेक रेंज उस दिन भी बता रहे थे चेक रेंज के बारे में, चेक रेंज जो है इसका एक अलग टॉपिक है, ये हम बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसको नॉट एप्लीकेबल रखते हैं। और ये इंस्टॉलमेंट नंबर, मतलब जैसे होता है इंस्टॉलमेंट में हम लोग कुछ खरीदते हैं तो पहला इंस्टॉलमेंट दिया चेक के थ्रू, दूसरा इंस्टॉलमेंट दिया चेक के थ्रू, लेकिन अभी हम लोग इससे रिलेटेड कोई डिस्कशन या कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट एंटर करके इससे बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके क्रिएशन ऑन क्रेडिट 2,00,000। एसके क्रिएशन से कुछ खरीदा जा रहा है, कुछ सामान खरीदा जा रहा है, नाम उसका मेंशन नहीं किया हुआ है। इससे पहले भी हम ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि अगर प्रोडक्ट का नेम दिया हुआ है, जैसे भी लैंड दिया हुआ था तो हम लोग लैंड का क्या किया, लेज़र बनाया। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जस्ट इसका एंट्री, बट क्रेडिट मेंशन किया हुआ है इसलिए यहाँ पे हम लोग एफ नाइन में चले जाएंगे। और यहाँ पे ये ऐसा शो कर रहा है तो यहाँ से इसको चेंज मोड में जाके इसको एज अ वाउचर कर लेंगे। एज वाउचर करने के बाद टू में हम लोग एसके क्रिएशन ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, एसके क्रिएशन नाम का एक लेज़र जिसको अंडर संडी क्रिएटर में एंट्री करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसका सारा डिटेल्स वगैरह आ रहा है जो कि अभी हमको उतना देना नहीं है। क्या अमाउंट मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन किया है अमाउंट 2,00,000, 1,02,03,04,05, 2,00,000 जो है हम लोग का ये न्यू रेफरेंस। देखिए अब इसके बारे में भी हमने पहले भी क्लियर कर चुके हैं, इसके बारे में पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है कि जब परचेज या सेल कुछ भी होता है ना उस वक्त न्यू रेफरेंस रखा जाता है, उसके अगेंस्ट में जब पेमेंट किया जाता है तो अगेंस्ट रखा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग न्यू रेफरेंस रखेंगे, ठीक है। और एस के क्रिएशन का ये है तो एस के मेंशन करके एस के 001 कर दिया, ये बिल नंबर एक होता है ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ये पेमेंट करते वक्त हम लोग को इजी हो जाता है। बाई में हम लोग को क्या करना है, बाई में हम लोग को परचेज बनाना है, तो ऑल्ट सी करेंगे। देखो यहाँ पे प्राइम में एक नया मेथड यहाँ पे दिया है, शो मोर दिया हुआ है और क्रिएट दिया हुआ है, मतलब उससे रिलेटेड कोई लेज़र यहाँ पे था नहीं तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे दिया है, जो कि हम लोग ऑल्ट सी प्रेस करके करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परचेज का एक लेज़र रेडी कर लेते हैं, अंडर परचेज में चला जाएगा ये और नॉट एप्लीकेबल रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब नंबर ऑफ आइटम, तो ये आइटम से रिलेटेड तो कोई काम नहीं हो रहा है, ये तो सिंपल एंट्री हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज परचेज स्टेशनरी, कैश में स्टेशनरी परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे कैश में परचेज हो रहा है बोल के यहाँ से पेमेंट में आ जाएंगे। बाई में स्टेशनरी ऑल्ट सी प्रेस करके स्टेशनरी बना लेंगे, इसको स्टेशनरी जो होता है वो हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। और जो भी अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है वो अमाउंट हम लोग मेंशन कर देंगे, 1,000 हम लोग का अमाउंट दिया हुआ है, ये 1,000 हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और टू में हम लोग का क्या हो जाएगा, टू में कैश हो जाएगा क्योंकि कैश में ये स्टेशनरी परचेज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स सोल्ड टू इंडियन कॉटन फॉर क्रेडिट 45,000। अब क्रेडिट में सेल किया जा रहा है, तो सेल किया जा रहा है तो सेल में आ जाइए और चेंज मोड में जाके इसको एज वाउचर कर लीजिए। और यहाँ पे बाई में क्या बनाना है, ऑल्ट सी प्रेस करके इंडियन कॉटन, ये एक पार्टी का नेम है, एक कंपनी का नेम है जिससे हम लोग सेल करेंगे, यानी संडी डेटर है हम लोगों के लिए, ठीक है। कितना का सेल कर रहे हैं हम लोग इसको, 45,000 का, 45,000 का हम लोग इसको सेल कर रहे हैं, ये बताया ना न्यू रेफरेंस के बारे में,
इंडियन शॉर्ट में दे दिया 001। और यहाँ पे भी सेल का लेज़र बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट का अंडर सेल्स में इनपुट कर देंगे, ठीक है, एंटर करके इससे भी बाहर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रेंट पेड टू बिल्डिंग ओनर, मतलब रेंट टू कैश, इसका वही एंट्री होगा। तो यहाँ से पेमेंट में हम लोग आ जाएंगे, पेमेंट में आकर यहाँ पे बाई में देंगे रेंट, पर रेंट तो हम लोग का बना हुआ नहीं है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे रेंट अकाउंट बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एंट्री करेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, जो भी अमाउंट यहाँ पे हम लोग को मेंशन कर रहा है 1500, वो 1500 हम लोग यहाँ पे दे देंगे, और टू में क्या कर देंगे, टू में कैश दे देंगे। चलिए ये भी एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट वन, कैश विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज़, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए कैश विड्रॉ हो रहा है, यानी ड्राइंग अकाउंट, तो ये पेमेंट में ही जाएगा, ड्राइंग बना लीजिएगा ऑल्ट सी प्रेस करके, ड्राइंग अकाउंट ये जो है अंडर कैपिटल में आ जाएगा। और ड्राइंग कितना का हो रहा है, कितना का पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहा है, 5000 यहाँ मेंशन कर देंगे, टू में यहाँ पे, यहाँ पे क्या मेंशन किया है, थ्रो बैंक कैश, कुछ कैश मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे कैश दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी एक्सपेंस, टी एक्सपेंस मतलब हो गया ये मिसेलनियस एक्सपेंस, मतलब नॉर्मल जो एक्सपेंसेस होता है, टी एक्सपेंस होता है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, मतलब वो पेमेंट में ही जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग पेमेंट में ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे टी एक्सपेंस बना लेते हैं, और इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट जो है ये एक्सपेंसेस होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बना लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, जो भी अमाउंट था यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे, अमाउंट यहाँ पे 100 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है, टू कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर परचेज फ्रॉम कंप्यूटर सॉल्यूशन, अच्छा अब देखिए इस तरह का एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं, जब भी बताया था, जब भी पार्टी का नेम और एसेट्स का नेम एक साथ यूज़ होगा, तो वैसे कंडीशन में इस तरह का एंट्री हम लोग किस में करेंगे, जर्नल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसी तरह का एंट्री हम लोग हमारे सामने दिखा है, जर्नल में क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर वो एंट्री परचेज में करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग जर्नल में जाएंगे। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, ठीक है, यानी ये कंप्यूटर सॉल्यूशन एक कंपनी है और उससे हम लोग कंप्यूटर खरीद परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ से बाई में ऑल्ट सी प्रेस करके कंप्यूटर अकाउंट एक बना लेते हैं, और इसको फिक्स एसेट्स में रखेंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट होगा अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे, 30,000 का है अमाउंट, 30,000 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और टू में यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पार्टी का नेम, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे जिससे हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो उसका नाम है कंप्यूटर सॉल्यूशन, ये संडी क्रिएटर हो जाएगा, इससे हम लोग जो है न्यू रेफरेंस। चेस कर लिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेड कमीशन, देखिए इसी के लिए इससे पहले भी मैंने क्लियर कर दिया है कि कमीशन पेड भी होता है और कमीशन रिसीव भी होता है, इसलिए क्वेश्चन के साथ ये आपको देखना ज़रूरी है कि कमीशन पेड हो रहा है या कमीशन रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे कमीशन पेड हो रहा है तो पेमेंट में जाएगा, और ऑल्ट सी प्रेस करके कमीशन पेड बना लेंगे, यहाँ पे कमीशन पेड का लेज़र बनाएंगे और इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे, कितना कमीशन पेड हो रहा है, कमीशन पेड हो रहा है आपका 500 यहाँ दे दीजिए, और यहाँ टू में ले लीजिए कैश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश सेल, कैश में सेल हो रहा है, अच्छा नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, यानी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कॉन्ट्रा एंट्री में आ जाइए, बैंक में पैसा आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो टू में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, कितना कैश डिपॉजिट कर रहे हैं आप, 15,000 जो है कैश डिपॉजिट कर रहे हैं आप, ठीक है, बैंक में। ये देखिए जब हम लोग बैंक में मनी डिपॉजिट करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग से ये पूछता है
कि आपके पास आप जो करेंसी दे रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, वो कितना कितने का है, 2000 का कितना पीस है, 1000 का कितना पीस है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज़ ये वन था, यहाँ पे दे दिए 1500 दे दिए 10 पीस सिंपली, ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, चेक रिसीव फ्रॉम कैश सेल, कैश में सेल हो रहा है, तो कैश में सेल हो रहा सिंपली ये रिसीव में जा जाएगा, टू में यहाँ पे सेल हो जाएगा, और जो भी अमाउंट दिया हुआ है सपोज 500 अमाउंट दिया हुआ है, बाई में यहाँ पे कैश ले लेंगे, ठीक है। ये भी एंट्री पास हो गया। अब इंडियन कॉटन से जो हमने सेल किया था, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग इंडियन कॉटन से कहीं पे सेल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडियन कॉटन से सेल कर रहे हैं 45,000 का। अब हम लोग इंडियन कॉटन से 25,000 जो है उसका अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, तो टू में हम लोग दे देंगे इंडियन कॉटन, क्योंकि उस टाइम में वो बाई था, पर ये टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो गीबर है, उस टाइम में रिसीवर था, अभी गीबर है, तो यहाँ पे इंडियन कॉटन ले लिया। ये देखिए ये अगेंस्ट नंबर मांग रहा ना, क्योंकि हम लोग जब न्यू रेफरेंस दिए थे ना उस वक्त यहाँ पे ये नंबर दिया था IND-001, देखिए 45,000 दिखा रहा है, उसमें से आप 25,000 जो है वो पेमेंट कर दे रहे हैं आप, रिसीव कर ले रहे हैं आप यहाँ पे। अब जाके चेक कीजिए थ्रो बैंक हो रहा है या कैश हो रहा है, चेक दे रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे बैंक हो जाएगा। ये देखिए चेक नंबर वंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट नंबर, चेक नंबर, बैंक, बैंक नेम, कौन सा बैंक से दे रहा है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है गुड्स रिटर्न बाई इंडियन कॉटन। अब इंडियन कॉटन जो है वो जो 45,000 का परचेज किया था, हम लोग से परचेज किया था यानी हम लोग उसको सेल किया था, उसमें से हमने 25,000 रिसीव भी किया, बट बाकी का जो बैलेंस का कोई जो गुड्स उसके पास अवेलेबल है उसमें से कोई डिफेक्ट या कोई प्रॉब्लम आ गया, जिसमें से वो हम लोग को 2500 का रिसीव मतलब रिटर्न कर रहा है, तो इसके लिए रिटर्न करने के लिए हम लोग का जनरल में एंट्री पास होता है। बाई में क्या हो जाएगा, बाई में सेल्स रिटर्न बनेगा, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल्स रिटर्न का एक लेज़र बनेगा, इसको अंडर सेल्स में ही रखेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, और 2500 यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे इंडियन कॉटन, ये देखो अमाउंट दिखा रहा ना, 45 में 25 तो हम लोग रिसीव कर लिया ना, बाकी का बैलेंस कितना बचा रहा है, 20,000, यहाँ पे 20,000 का अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओहो सॉरी, यहाँ पे तो आप जो रिटर्न वो आपको कर रहा है वो तो 2500 का ही रिटर्न कर रहा है ना, 25 रिटर्न आपको कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब कैश जो है बैंक से विड्रॉ किया जा रहा है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा में आ जाइए, कॉन्ट्रा में आके अब टू में बैंक हो जाएगा। अमाउंट कितना विड्रॉ किया जा रहा है, 10,000 विड्रॉ किया जा रहा है, 10,000 आप बैंक से विड्रॉ कर लीजिए बाई कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स रिटर्न टू एसके क्रिएशन। एसके क्रिएशन से हमने परचेज किया था, अब उसको परचेस रिटर्न कर रहे हैं, जनरल में आ जाएंगे, बाई में हम लोग का हो जाएगा इसके क्रिएशन, क्योंकि इसके क्रिएशन उस वक्त टू में था, अभी हम लोग उसको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, कितना का रिटर्न कर रहे हैं वो देख लीजिए, 5,000 का रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, 5,000 का यानी 2 लाख का हम लोग परचेस किया, तो उसमें से 5,000 का जो है उसको रिटर्न कर रहे हैं, क्या रिटर्न कर रहे हैं, ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे रेडी एक लेज़र बना लीजिए, परचेस रिटर्न बोलकर यहाँ पे परचेस रिटर्न का एक लेज़र रेडी कर लिया, उसके बाद यहाँ से उसको रिटर्न कर दिया। तो ये हम लोग का जो जितना क्वेश्चन था 18 क्वेश्चन, ये वाला हम लोग इसमें से सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये हम लोग का जो असाइनमेंट था ये वाला क्लियर हो गया। तो अब जो एंट्री हमने पास किया है वो सारा एंट्री हम लोग यहाँ से डे बुक से देख लेंगे, यहाँ पे डे बुक में हम लोग को मेंशन कर दे रहा है, और भी डिटेल्स हम लोग को जानना है तो यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये सारा डिटेल्स के साथ हम लोग को एंट्री शो कर दे रहा है। और किसी पार्टी वाइज अगर हम लोग को देखना चाहते हैं तो बैक करके हम लोग चले आएंगे डिस्प्ले मोर में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आके यहाँ पे मिलेगा हम लोग को डे बुक रिपोर्ट,
डे बुक रिपोर्ट से तो ये हम लोग देख ले रहे हैं। यहाँ पे अकाउंट बुक आएगा, अकाउंट बुक में जाइए और यहाँ से लेज़र वाइज आप चेक कर सकते हैं। जैसे सपोज पर्टिकुलर किसी पार्टी का इंडियन कॉटन के बारे में पूरे डिटेल्स हमको चाहिए, तो इंडियन कॉटन्स में जाके जब एंटर करेंगे ना और यहाँ पे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे या शिफ्ट एंटर करेंगे, तो ये शिफ्ट एंटर करने पे शिफ्ट और एंटर एक साथ दबाएंगे। यहाँ पे देखिए इंडियन कॉटन से क्या क्या हम लोग का ट्रांजेक्शन हुआ। इंडियन कॉटन से हम लोग का 45,000 का जो है सेल हुआ था, जिसमें से उसने क्या किया, उसमें से उसने 25,000 हम लोग को पेमेंट किया, तो बचा कितना 20,000। फिर जो उसके पास 20,000 का प्रोडक्ट अवेलेबल था, हमारा प्रोडक्ट, उसमें से उसने क्या किया 2500 का प्रोडक्ट हम लोग को रिटर्न कर दिया। उस हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग का बैलेंस दिखा रहा है, देखिए 45 का हमने उससे सेल किया था, पर अभी उसके पास हम लोग का बैलेंस कितना बचा हुआ है, इतना बचा 17,500 बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने तो अपने को रिटर्न कर दिया ना बाकी का प्रोडक्ट, 2500 का प्रोडक्ट हम लोग को रिटर्न कर दिया, इसलिए 20 की जगह पे 17,500 हम लोग का बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये भी अमाउंट हम रिसीव कर लेते हैं उससे, तो फिर उसमें उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देख लीजिए, अगर देखना है तो इसके लिए आप एक ट्रायल कर सकते हैं। यहाँ से वाउचर एंट्री में जाइए और रिसीव में जाकर जब इंडियन कॉटन आप 2 में इंडियन कॉटन लेते हैं, तो इंडियन कॉटन में आपका जो बैलेंस दिखा रहा है, देखिए 17,500 दिखा रहा है। आप सपोज़ ये बैंक के थ्रू आप रिसीव कर लिए इसका बैलेंस को, बैलेंस रिसीव करने के बाद अगेन जब यहाँ से बैक करके अब यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ से अकाउंट बुक, और यहाँ से अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ पे चले जाएंगे लेज़र्स में। लेज़र्स में जाने के बाद जब इंडियन कॉटन का हम लोग डिटेल्स देखते हैं ना, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर, देखिए कोई बैलेंस हम लोग का अब आउटस्टैंडिंग नहीं है। मतलब जो हम लोग उसके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग पा रहे थे हम लोग, तो वो सारा अमाउंट हमने रिसीव कर लिया। इसका एक और हम लोग जीता जागता रिपोर्ट जो है, वो बेस्ट रिपोर्ट हम लोग बैलेंस शीट से भी देख सकते हैं। ये देखिए बैलेंस शीट में हम लोग को क्या दिखा रहा है। बैलेंस शीट में जब ऑल्ट एफ वन करिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिखा रहा है कि आपका एसेट्स क्या क्या है और आपका लायबिलिटी क्या क्या है। लायबिलिटी देखिए, ये सब लायबिलिटी में आ रहा है आपका, ड्राइंग जो है ये लायबिलिटी है। अच्छा, करंट लायबिलिटीज़ आपका 2,25,000 करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है, जिसमें से आपने 2,25,000 का सिंडिकेटर से परचेज किया है। ये अभी तक का आपने क्लियर नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है। अगर आप इसको पेमेंट करते हैं तब जाके ये आपका आउटस्टैंडिंग क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन किया हुआ नहीं है, बोल के हम लोग इसका एंट्री यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। डेट्स